Hello guys and welcome to Economics with SK. एक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में था कि व्हाई मार्जिनल कॉस्ट इज यूज्ड, ऐसा क्यों होता है? जैसे हम लोग अक्सर पढ़ते हैं तो बोल देते हैं कि भाई मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होती फिर बढ़ती है, और ऐसा क्यों? ऐसा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन इसके पीछे की क्या राज है और राज को हम जानेंगे, तो शुरुआत करते हैं। तो गाइस, ऐसा क्यों कि मार्जिनल कॉस्ट का सेव जो है वो यूज है, ऐसा क्यों इसको समझते हैं? देखिए, एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमको ये पता है पहले से कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते रहते हैं, जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं यानी कि जो इनपुट है उनको बढ़ाते हैं, तो जो प्रोडक्शन है, जैसे कि पहला व्यक्ति से मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको पिछले वीडियो में कि आप एक प्रिंटिंग मशीनरी का आपका कारोबार है, तो प्रिंटिंग और कंप्यूटर और क्या बोले कटिंग, तीनों काम एक ही व्यक्ति करेगा, तो आपका शुरुआत में प्रोडक्शन का इनपुट का होगा। लेकिन दो व्यक्ति रखेंगे तो वो दोनों लोगों के काम करेंगे, तो आप ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से कर पाएंगे, तो प्रोडक्शन जो है आपका सेकंड व्यक्ति को लाने से प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा और वो 50 यूनिट का हो जाएगा। थर्ड व्यक्ति पर आपको 20 यूनिट का प्रोडक्शन होने लग जाएगा, राइट? और यदि आप बात करें, यदि आप और इसको बढ़ाते जाएंगे, तीन लोगों के बाद और बढ़ाते हैं, तो फिर ये प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगता है, 10, 5 और 0। यानी कि हमको ये पता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन का जो नेचर है वो कुछ इस टाइप का है, एन शेप का है। पहले इंक्रीज होता है एक लेवल तक, उस एक लेवल के बाद डिक्रीज होता है एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब तो मार्जिनल कॉस्ट का नेचर कैसे होगा? देखिए, मैं मान लेता हूं कि जो एक आप एक लेबर आपको बुला रहे हैं, तो एक लेबर को बुलाने पर आपको खर्च कितना होगा? एक लेबर को मैं मान लेता हूं कि ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूं कि 100 रुपीज खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है? 100 रुपीज। इस एक लेबर को आप लेकर के आए और आपको आउटपुट कितना मिला है? 10 यूनिट का। यानी कि आपको पर व्यक्ति खर्च, पर व्यक्ति कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 रुपीज कॉस्ट आ रही है। फिर जो दूसरा व्यक्ति लेकर के आएगा, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, दूसरा जो व्यक्ति लेकर के आए हैं उस पर भी आपको 100 रुपीज लग रहे, और आपको जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से प्रोडक्शन आपको कितना मिल रहा है? उसकी वजह से प्रोडक्शन आपको 50 यूनिट का मिल रहा है मार्जिनल प्रोडक्शन। तो ये आपका लगभग पड़ा 6.66, तो आपने 6.6 रख दिया। फिर यदि आप देखेंगे जो थर्ड व्यक्ति लेकर के आया, ये मार्जिनल की बात है, टोटल की बात नहीं, थर्ड व्यक्ति जो लेकर आए उससे आपको प्रोडक्शन में 20 यूनिट का है, तो 100 रुपीज खर्च हो रहा है, 20 का आउटपुट आपको मिला, यानी कि आपको 5 रुपीज का जो है पर यूनिट खर्च आ रहा है। आप एक्सपेंसेस जो है पहले कम होते जा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ते हैं, बढ़ते हुए रेट से था तो आपका जो एक्सपेंसेस कम था, लेकिन अब प्रोडक्शन वापस घटते हुए रेट से शुरू हो गया। प्रोडक्शन पहले ऐसा था, अब वापस अब नीचे जा रहा है, तो अब क्या होगा? अब भी आपका जो खर्च है 100 रुपीज है, जो फोर्थ व्यक्ति आया उस पर, तो आपका 10 यूनिट यदि वो प्रोड्यूस करेगा तो आपको खर्च आएगा 10 का, तो खर्च वापस 10 शुरू हो गया। फिर यदि आप 100 रुपीज है, 5 यूनिट प्रोड्यूस हो पा रही है इसकी वजह से, तो 20 रुपीज का खर्च आ रहा है। फिर तो जो है वो जो व्यक्ति आ रहा है उससे प्रोडक्शन आपको 0 हो रहा है, यानी कि आपको कहेगी जो नेक्स्ट व्यक्ति उससे तो और भी ज्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट? यानी कि आपको कहें कि आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो वही का वही है, लेकिन आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। तो ये था मार्जिनल प्रोडक्शन, और यदि इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट हमने देखा कि पहले तो कम हुई और फिर बढ़ती गई, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का जो नेचर है वो कुछ यू शेप का नेचर होगा, राइट? पहले कम होगा फिर बढ़ती जाएगी, राइट? और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर एस शेप क्या है वो भी हमें देखना पता चल जाए। देखिए, आप मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करते हैं तो क्या आता है? टीवीसी आता है, ये 10 और 6 कितना होगा? 16.6 एंड 5 ये हो गया आपका 21.6, देन 31.6, देन आपका ये हो गया 51.6। यानी कि देखिए, पहले कम रेट से बढ़ रहा है और उसके बाद ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, यानी कि पहले तो आप थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे फिर एकदम से बढ़ा देंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया।
अब यदि इसमें आप फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस होने के बाद जो टोटल कॉस्ट होगी वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो ये कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, तो कॉस्ट जस्ट इसका अपोजिट होगा। कॉस्ट में कॉस्ट पहले कम जाएगी फिर ज्यादा लेगी। और इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि आप जब चीजें ज्यादा बना पाएंगे यानी कि आपको पैसे कम खर्च हो रहे हैं, जब आप चीजें कम बना पाएंगे यानी कि आपको पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, राइट। तो अल्टीमेटली इसमें कोई यही बात कहना थी, राइट, क्योंकि तो यदि मैं ये बात उस वीडियो में करता तो काफी ज्यादा बात खींच जाती, इसलिए मैंने इसको इसमें कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सारी कॉस्ट उनके बीच में क्या कनेक्शन है, वो सभी कॉस्ट को हम अभी स्टडी करने वाले। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।